का भारत का नया एम्स हरियाणा में खुलेगा। भारत का नया एम्स हरियाणा में खुलेगा। भारत में वर्तमान में हरियाणा में जो एम्स खुलेगा उसको मिला के संख्या हो जाएगी 21। मतलब हरियाणा में जो खुलेगा उसको मिला के भारत में एम्स की संख्या कितनी हो जाएगी 21। और 14 जो है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खुलेगा। 14 एम्स जो है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खुले। 7 एम्स जो पुरानी सरकार के कार्यकाल में खुले। आगे लिखिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस का विषय मैंने लिखवा रहा। 30 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। कुष्ठ रोग दिवस का विषय इन्वर्टेड कॉमा में लिखना भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक दैट मीन्स हाफ सेंचुरी अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी रोहित पोडेल बन गए। आगे लिखिए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए चेयरमैन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए चेयरमैन पुनीत गोयनका को बनाया गया। लाल किले में भारत पर्व का आयोजन संपन्न हुआ। भारत पर्व 26 से लेकर 31 जनवरी चला। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत पर्व कहां संपन्न हुआ? लाल किले में संपन्न हुआ था। ठीक है। राजीव चोपड़ा को NCC का DGP बनाया गया। NCC आपको लिखवा था मैंने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है ना। NCC का DGP बनाया गया। बिहार का DGP कौन बने कल? और मध्य प्रदेश के DGP वीके सिंह। GST की उगाही ने, उगाही मतलब वसूल करना। GST की उगाही ने 1,00,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तो सरकार ने GST से 1,00,000 करोड़ वसूल कर लिए। 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई है। महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। क्रिकेट टीम में कोच महेश पवार के बाद बनाया था ने उसका मतलब। जर्मनी फ्रांस और यूके दैट मीन्स इंग्लैंड ने इंस्टेक्स
इंस्पेक्स नामक एक भुगतान चैनल पेमेंट चैनल स्थापित किया है भारत को पिछले पांच वर्षों में $239 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ पेट्रोटेक 2019 पेट्रोटेक 2019 का आयोजन दस से बारह फरवरी तक पेट्रोटेक 2019 का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक दिल्ली में किया जाएगा। आगे लिखिए राजीव चौबे यूपीएससी के सदस्य बनाए गए अध्यक्ष अरविंद सक्सेना और अभी TCA आनंद को ही बनाया है। श्रम और रोजगार मंत्री एस के गंगवार ने दिल्ली में ऐसिक आयुष हॉस्पिटल के ओपीडी का उद्घाटन किया। ऐसिक का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऐसे और ओपीडी जो होता है ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो 14 ओवर ये अंतरिम बजट महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एम्पावरमेंट वन थ्री थ्री जीरो करोड़ रुपये आवंटित किए गए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए फिफ्टी एट थाउजेंड वन सिक्सटी सिक्स करोड़ आवंटित किए गए। रेलवे को 2019-20 में रेलवे को
2019-20 में 64,587 करोड़ रुपये की सौगात दी गई, 64,587 करोड़ रुपये की सौगात दी गई। आगे लिखिए, गायों के लिए राष्ट्रीय गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। 750 करोड़ रुपए आवंटित, 750 करोड़ रुपए आवंटित। बात लिखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टू पॉइंट फाइव करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण किया जाएगा। ग्राम जहां बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण सड़कों के लिए ₹19,000 करोड़ आवंटित किए गए। अगले चीज, मनरेगा योजना मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो नाम मनरेगा का, नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पांच लाख तक की आय के लिए कोई आयकर इनकम टैक्स नहीं दिया देना होगा। जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन पहले 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अगर वार्षिक आय होती थी तो उसको 5% टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक कोई भी आयकर टैक्स नहीं देना होगा। जिससे तीन करोड़ लोगों को अठारह हजार पांच सौ करोड़ का फायदा होगा। और मेन पॉइंट एट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें जिसकी मासिक आय मंथली इनकम इसकी मासिक आय 15,000 से कम है, उसे सेवानिवृत्ति पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़, 2 हेक्टेयर ब्रैकेट में करना 5 एकड़ भूमि वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 6,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय मतलब डायरेक्ट इनकम में प्रत्यक्ष आय की सहायता मिलेगी। इसके लिए दौड़ लगाना पड़ेगा डायरेक्ट अकाउंट में अमाउंट है, प्रत्यक्ष आय की सहायता मिलेगी जिससे 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे, जिससे 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। मतलब ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ तक की भूमि है या खेत है, उनको उनकी फसल के लिए हर साल 6,000 रुपये डायरेक्टली उनके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। उनके लोगों को भागने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनके डायरेक्ट अकाउंट में जैसे 6,000 रुपये हर साल डाल देगी। मतलब 75 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, 75,000 करोड़ प्रोजेक्ट है। चलिए आगे लिखिए, रक्षा बजट के लिए 3 लाख, रक्षा बजट के लिए 3,05,000, 3,05,296 करोड़ रुपया आवंटित है, सबसे ज्यादा रक्षा बजट के लिए 3,05,296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बजट खत्म हो गया है, बजट खत्म हो गया वाला था। अगला पॉइंट है तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। अगले डीएसी ने 40,000 करोड़ की लागत से छह पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी। Okay. एक फरवरी का सिस्टम करने पर